रेड कलर। ये सबसे पहले रेड कलर, रेड कलर से इस कलर में हमने सेलेक्ट किया है और इससे सबसे पहले फ्रंट को हमने रेड कलर लिया, हाफ में रेड कलर से सेट दिए। इसके बाद में ब्लू कलर लेकर के उसका दूसरा पार्ट ब्लू कलर से ब्राउन कलर, बीच में थोड़ा सा डार्क टोन दिए हैं ताकि उसको मिलाने में लाइन को सीधी डार्क टोन दे करके नीचे डेप्थ को दिखाना है, ऊपर में लाइट रहेगा, नीचे डार्क टोन। अब देखिएगा इसमें वी शेप ज्यादा प्रयोग होता है, ये डोर और विंडो जो भी आप लाइक करते हैं, जिस तरह का आप प्रयोग करना चाहते हैं उस तरह। इसमें अलग अलग डिज़ाइन भी होंगे, डिज़ाइन को चेंज करना और ये करना। अब इसके बाद ज़मीन पर आएंगे, ज़मीन के लिए ब्राउन कलर, ब्राउन कलर से लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेना है। स्ट्रोक्स देखिए कैसे स्ट्रोक्स चला रहे हैं, ज़मीन बनाने के लिए ये स्ट्रोक्स देखिए लंबा इस तरीके से, और खरा बनाने के लिए देखिए कैसे स्ट्रोक्स चला रहे हैं। आप ब्रश भी इसी तरह से चला सकते हैं, कलर भी इसी तरह से, कोई भी कलर का मीडियम हो इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। उसका बैलेंस सीधे ले लीजिए, बैलेंस लेने में कॉर्नर पे सीधे लाइन नीचे की तरफ, घर आपका टेढ़ा नहीं होगा उस बैलेंस से। नीचे क्रोम येलो, पीछे क्रोम येलो से दूसरा, चूँकि ये डार्क टोन है तो इसके सामने अगर निकालना है फिगर में तो उसको आपको थोड़ा सा लाइट टोन लेना होगा, और वो लाइट टोन फिर उसके बाद टोन चेंज करना है, अलग अलग कलर अलग अलग टोन यूज करेंगे। वहाँ पर मैंने ब्राउन लिया, फिर पीछे में आगे में डार्क टोन लिया था, ब्राउन में डार्क ब्राउन लिया नीचे के लिए, जो पहले हम लिए थे आपको दिखाए भी थे, ब्लैक कलर से नीचे का ब्राउन कलर से फिर पिलर लेंगे। कोशिश करना है कि टोन्स, जो टोन तो समझते ही हैं, नहीं समझते हैं तो तीन तरह से मिडिल टोन, लाइट टोन और डार्क टोन। तो कोई भी कलर, कलर आपको दिख रहा है कोई भी कलर ले करके उस पर, और स्ट्रोक्स मैं दिखा रहा हूँ कैसे लाइन खींचेंगे, किस तरह हाथ को चलाएंगे, ब्रश को चलाएंगे, कलर को चलाएंगे, तो उस तरीके से आपका वो शेप निकलेगा। मेन वही है, शेप निकालना। ज़्यादा डार्क दूर में नहीं दिखना चाहिए, ज़्यादा डार्क दिखने पर उसको थोड़ा सा लाइट यूज कर ले। नीचे डार्क टोन देंगे, रूफ को लाइट टोन से निकालिए, बीच में जो फ्लोर का डिवाइड करने के लिए है उसको, लाइन को हमेशा सीधे नीचे की तरफ,
मेरा उद्देश्य यही है कि आप इसको करें, हमको सिखाना है। टीचर का जो एक वर्क है, टीचर का जो काम है, वो सिखाना है। आप दूसरे वीडियो की तरह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेयर करिए, लाइक करिए, आप सीखिए, ज़रूर सीखिए, अपने भी सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए, अच्छा लगे बने। तो मैंने बोला भी था कि आप मुझे दूसरे वीडियो में, मैंने इसका ब्लैक कलर के साथ सैप ग्रीन कलर में यहाँ पे यूज करूँगा, क्योंकि डार्क टोन है, तो इस डार्क टोन पे और उसके ऊपर येलो कलर यूज करना है, ये जो ट्री बना रहे हैं। और इस ट्री को हम आगे चल के बताएंगे कि कैसे ऐड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ कैसे आएंगे। ये येलो कलर देने पर सैप ग्रीन में, नीचे देखिए ब्लैक कलर है। अब सैप ग्रीन लिए, सैप ग्रीन आपको बड़े वाले कलर में ऑयल पेस्टल में मिल जाएगा, हर कलर में आता है, सैप ग्रीन लिखा हुआ रहता है। येलो कलर, नीचे ज़मीन बनाने के लिए क्रोम येलो मैंने लिया है। आगे की तरफ धीरे धीरे लाइट टोन देंगे, उस लाइट टोन को स्ट्रोक्स देखिए, स्ट्रोक्स यही रहेगा। दूर वाले में लाइट टोन प्रयोग करेंगे। अब स्काई को पहले कलर कर लेते हैं। स्काई में ऊपर से ब्लू कलर, वही ब्लू कलर है, एक ही ब्लू कलर लिए हैं जो वॉल पे यूज किया है, फर्स्ट वाले जो घर बनाए हैं उस पे यूज किया है। डर के नहीं चलाना है, आपका स्ट्रोक्स जितना अच्छा होगा, जितना फास्ट होगा, उतना सुंदर लगेगा। बीच में थोड़ा सा लाइट टोन छोड़ देना है। फिर कॉर्नर से एक बड़ा पेड़, मैंने बोला था आपको कि जोड़ूंगा, उस पेड़ से आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, छोटा रख सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ये लाइन अगर सीधे मिला के ब्रांच मिला देते हैं तो एक बन जाएगा, और इसको अगर ऊपर की तरफ हम बढ़ा लेते हैं तो वो दूसरा बन जाएगा। मेथड वही है, ब्लैक कलर से मैंने लिया है, चूँकि डार्क टोन मैंने यूज कर चुका हूँ, तो ब्लैक कलर के साथ सैप ग्रीन यूज कर रहा हूँ। ये असल में ये जो मेथड है, ये मेथड है ऑयल पेस्टल का मेथड है, ऑयल कलर में ये यूज किया जाता है, ऑयल पेस्टल में नहीं, ऑयल कलर में। पहले डार्क टोन लेते हैं, फिर उसके साथ मिडिल टोन लेते हैं, और उसको मिला देंगे, बाद में येलो कलर लेंगे लाइट टोन के लिए। मैंने इसको अलग ही रखा है, उससे नहीं मिलाया, आप चाहें तो मिला सकते हैं। फिर वही मेथड है,
ब्लैक कलर, सैप ग्रीन, येलो कलर, तीनों कलर को हम लेंगे। अब इस पे हम स्टेप्स बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, एक लाइन मैंने लिया, स्टेप बनाना है, दूसरा, तीसरा लाइन, लाइन को ब्राउन कलर से लिया। अब उस पर देखिए स्ट्रोक्स, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ क्लियर स्ट्रोक्स है, देख के भी आप समझ सकते हैं। अगर आप इस भाषा को नहीं जानते तो देख के समझ सकते हैं, और आर्ट में ये सबसे बड़ी खूबी है। आप किसी भाषा के जानने वाले हों, ऊपर का स्ट्रोक्स देखिए, जो पहले चलाए थे वही स्ट्रोक्स चलेगा, फिर उसके बाद नीचे ऊपर वाला स्ट्रोक्स ही नीचे होगा तो फ्लैट हो जाएगा, यानी जिस पे हम अपना पैर रखते हैं वो सतह बन जाएगा। फिर नीचे आ करके ऊपर वाला सेकेंड वाला स्ट्रोक्स चलाएँगे, पहले दोनों के बीच में डार्क टोन से डिवाइड कर दिए, ऊपर वाले को लाइट टोन दीजिएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा लाइट ऊपर कलर यूज किया ताकि वो अलग अलग स्टेप्स निकले। नीचे में फिर डार्क टोन यूज करेंगे, नीचे की तरफ जैसे जाते हैं तो डार्क टोन यूज किया जाता है, उससे डेप्थ का बोध होता है, गहराई का सूचक होता है। नीचे फिर ज़मीन पे आके वही स्ट्रोक्स, लंबा वाला, सीधा वाला स्ट्रोक्स, अब इसके बाद उसको ब्लू कलर से मिला के ब्लू कलर, बिल्कुल स्ट्रोक्स वही देख लीजिए, जैसे ज़मीन पे स्ट्रोक्स जैसे चलाए थे वैसे स्ट्रोक्स इस पे चलाना है। किनारे को पकड़ने के लिए वो स्ट्रोक्स अगर नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से उस जगह कलर लगाएंगे ताकि ये स्ट्रोक्स नहीं पता चले, बाद में उसमें बीच में पैच लगा देंगे। ऊपर में थोड़ा सा खाली जगह है, वहाँ पे पेड़ को पीछे सीन है, इस घर के पीछे में सैप ग्रीन ही यूज कर रहा हूँ मैं, कोई दूसरा कलर नहीं यूज किया, ब्लैक कलर। अब इसमें ब्रांच बता देंगे, नीचे पानी में थोड़ा सा शेड आएगा, वो ग्रीन शेड, जो कलर आपने सब ग्रीन ही यूज करना है, दूसरा नहीं, और ब्लैक उसके साथ। ओके, थैंक यू।